इस समय मौजूद हैं बिहार के सबसे ऐतिहासिक मैदान पटना के गांधी मैदान में। पटना का गांधी मैदान इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बिहार की कोई भी विकास की बात हो या किसी चीज मुद्दे पे विरोध हो, उसका नींव, उसका विरोध का एक सबसे बड़ा कोई रैली होता है तो एक गांधी मैदान में ही होता है। और इस गांधी मैदान में पटना सिटी जितने राजधानी में पढ़ने वाले युवा हैं उन सबका जमावड़ा भी यहीं पे दिखाई देता है। और इसी जमावड़े में हम आ चुके हैं और जानेंगे मिजाज कि इन तमाम जो युवा हैं वो किसानी को लेके क्या सोच रहे हैं, बिहार के कृषि को लेके क्या सोच रहे हैं और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है दोस्त? जी दीपक कुमार नाम है मेरा। दीपक भाई, गांधी मैदान का अपने आप में ऐतिहासिक है, कोई बात होती है तो गांधी मैदान में स्ट्राइक करने के लिए और राजनीति के लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि जब कोई किसान अपने हक के लिए लड़ाई के लिए आता है तो ये खाली जगह है, इसलिए यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। जमावड़ा तो लगा रहता है, लेकिन बिहार के किसानों को लेके क्या सोचते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड किसान पे ही निर्भर है। अभी तक फार्मर से रिलेटेड कोई रोड मैप कोई भी सरकार अभी तक अच्छा से नहीं की क्योंकि हम लोग किसान पे ही निर्भर हैं। धान हुआ, गेहूं हुआ, जब तक बढ़िया से उपज नहीं होगा तो जब तक मेरे किसान यहाँ से बेच करके वहाँ से नहीं आएगा तब लोग हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से। तो कोई ऐसा सरकार मसौदा तैयार करे जिससे कि हम लोग को लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का धान गेहूँ खरीदे सरकार। जब तक धान गेहूँ खरीदेगी नहीं, पैसा घर से आएगा नहीं, तब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन ऐसा कोई अभी तक एजेंडा तैयार नहीं किया। तीन चार रोड मैप चौथा चल रहा है, क्या लग रहा है बदलाव हुआ घर में? पैसे के भी महीने में जब आता है समय आपको पहुंचाने के लिए तो टाइम टू टाइम पैसा आ जाता है कि अभी भी लड़ाई कसमकस करनी पड़ती है? बहुत करनी पड़ती है। एक तारीख को मांगा जाता है तो 7 हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर हम लोग जिधर ब्याज से पैसा लिए रहते हैं लोग वहाँ से फिर मांगना पड़ता है जी। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है 1.5 साल बाद, कैसा मुख्यमंत्री या कैसा प्रधानमंत्री देखना चाहता है? इस बार हम लोग चाहते हैं कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हम लोग चाहती है कोई शिक्षित किसान वाले आदमी लीड करे बिहार को, कोई नया लड़का है, कोई नया युवा है जो इसको लीड करे और हम लोग को बढ़िया से सहायता करे। प्रधानमंत्री लायक कौन देख रहे हैं, किसको चेहरा अच्छा देख रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री लायक तो अभी मोदी जी ही रहेंगे क्योंकि गठजोड़ वाली सरकार नहीं चाहिए। हमने देख लिया है 1990-95 की दौर कि कोई वित्त मंत्री के लिए लड़ाई करता था 5 सीट दे करके, कोई हमको गृह मंत्री चाहिए, वैसा सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको स्थिर सरकार चाहिए। इंडिया गठबंधन चल रहा है क्या? इंडिया गठबंधन चलने से पहले ही टूट गया है, देख नहीं रहे 3 राज्यों में बैठक होने वाली है। अब बैठक 19 तारीख को पता चला है, नीतीश कुमार जाएंगे, बोलेंगे मेरे एजेंडे पे काम कीजिए। तो छोटे दल इसलिए बैठक कर रहे हैं कि उनको उसमें फायदे हैं, फायदे इसलिए है कि वो बड़े स्तर पे आ जाएंगे, इसलिए बैठक पे बैठक। अब है मुख्य प्रधानमंत्री लाए, उनसे तो बिहार अब चल ही नहीं रहा है, बिहार छोड़ देना चाहिए उनको, बिहार नहीं चल रहा है अब, बिहार नहीं चल रहा है। अच्छा, कौन चलाने बिहार में, कौन चलाने लायक है मुख्यमंत्री बिहार में? अभी चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, इनमें खूबी है चलाने की, ये चला सकते हैं, चला सकते हैं। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव इसलिए नहीं चला सकते हैं कि उन सिर्फ एक जातिगत राजनीति करते हैं, वे जातिगत राजनीति पर अभी निर्भर है लोग, इसलिए नहीं चला सकते हैं। क्या देख रहे हैं मिजाज क्या है लोकसभा और विधानसभा और इन तमाम मिजाजों में, किसान कहाँ पे है? देखिए क्या है, नाम तो मेरा अंकित कुमार सिंह है, मैं अभी युवा हूँ और चूंकि युवा को मेरा जब से मैंने अनुभव अपना कुछ महसूस किया तब से हम युवा को ऐसे भी प्रमोट करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ जाएँ क्योंकि जो भी है सबसे ज़्यादा लोड वर्क युवा पढ़ी है और किसान तो खैर कहने का मतलब है आज से नहीं, उसका जो है स्ट्रगल शुरू से ही तकलीफ में रहा है और उसका तकलीफ दूर करना आसान नहीं है चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि दिक्कत है कि उसके लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा, नीचे स्तर से काम करना पड़ेगा। और राजनीति में जो भी लोग आता है वो नीचे से उठ जाता है, वो उठ जाएगा, उसके बाद जो है वो किसान तक पहुँचिए नहीं पाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये पता होना चाहिए कि जानते ही है कि सबसे देश में अर्थव्यवस्था हम लोग का चलती है तो किसान से ही चलता है। आज भी खाद्य पदार्थ ही हम लोगों का अर्थव्यवस्था का मेन कारण है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यही ज़्यादा है, उसके बाद तो सब चीज़ हम लोग आज ही ट्रेड ही करते हैं। ऐसे भी तो भारत ट्रेडर देश सही नहीं है अभी तक, हम लोग मतलब अब जाके डेवलप धीरे धीरे होने चालू हुआ है, इससे पहले तो मतलब डेवलपिंग में ही चल रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब अब किसान जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे मेहनत वही करता है और सबसे मजदूरी जो है कम उसी को मिलता है, क्योंकि वही नहीं है कहावत है कि मतलब जो कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, यही नियम चलता है।
मतलब जो छाली जो है ऊपर वाले लोग लेके चल जाते हैं, जो नीचे वाला जो पानी वाला जो दूध है वही किसान को मिलता है। तो किसान क्या देख रहे हैं चुनाव में मुद्दे, बिहार तमाम चीजें होती है, हर कोई कहता है मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा। वो तो सब कहेगा, इसमें कोई शक नहीं, सब कोई कहेगा, क्योंकि मान लीजिए वोट लेना है तो वोट लेना है तो भावना भावनात्मक चीज तो बोलना पड़ेगा ना कि हम ये हैं, हम वो कर दे रहे हैं, हम किसान के लिए इतना कर दियो। जब तक ले आप इमोशन को जो है नहीं कीजिएगा, माहौल ऐसा नहीं बनाएगा तो वोट मिलेगा नहीं। ये तो आज कोई भी दल देख लीजिए कहाँ कहता है कि हम किसान का बेटा नहीं है, किसान का हित नहीं करते हैं, किसानों के लिए इतना दे दिए। बिहार में भी किसान है लेकिन किसान के विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। किसान कहाँ नहीं है, सबसे तो बिहार एक किसान का मतलब राज्य है ओरिजिनल जो है, लेकिन किसान के विषय में सोचने वाला कोई कहाँ है? आप लोग सोचेंगे किसानों को? एकदम सोच, सबसे पहले उन्हीं का विषय में सोचना चाहिए। और कहने का मतलब कि ग्रोथ इस सेक्टर को जो है कोई करा ही नहीं रहा है, कोई भी दल हो। रोड मैप बने हैं बिहार में? रोड मैप एकदम नहीं है, बिहार का तो छोड़िए ना, बिहार तो ऐसे ही पीछे है, बाहर में भी रोड मैप किसान के लिए नहीं है। बाहर तो मान लीजिए स्टेट जो है नीतीश कुमार ने बनाया है, मुख्यमंत्री कोई रोड मैप नहीं बनाया, डीआई नहीं, खाली मतलब जो है रिजर्वेशन दे दो एक वर्ग को, जिसे फायदा हो रहा है रिजर्वेशन दे दो, क्वालिटी पर चर्चा है ही नहीं, रिजर्वेशन दे दो। आ कहते हैं एक ओर रिजर्वेशन देंगे दूसरी ओर विभाजन नहीं करेंगे, देश का विभाजन नहीं करेंगे, और रिजर्वेशन देते जाओ, जिसका जितना वोट है उसका उतना रिजर्वेशन। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अगर किसी को बड़ा मंत्री बनना हो, किसी को कुछ बनना हो, कोई बच्चे अच्छा चीज में लेना हो, तो प्रतिभा खास रखता है कि भाग्यशाली? नहीं, प्रतिभा तो लगता है लेकिन उसका हालत खराब हो जाएगा। आज के युवा चुकी है, कोई भी देखिएगा नेता मंत्री कभी कहवे नहीं करेगा तुम नेता मंत्री बनेगा, वो कहेगा एसएससी में 10% सीट, इसमें 5% सीट, इसमें 20% सीट, यहीं तक बच्चा है नहीं है, कहवे करे कहाँ कहेगा कि तुम बड़का बिजनेसमैन बन जाओ और नेता बन जाओ। कहा किसान उसान है, कहाँ से रहते हैं? हम पटना का रहने वाला है, किसान हूँ नहीं है, इसलिए क्या बोला। क्या हाल है आपका? हाल तो बहुत खराब है जी, हाल थोड़ी है ना, कपड़ा दुकान में काम करता है। अच्छा, तो यहाँ पे घूम रहे हैं? हाँ सही घूम रहा है। कैसा चल रहा है, कितना कमा लेते हैं? कितना कमाएंगे, 5,000 के महीना मिलता है और क्या। कितना परिवार चला रहे हैं? परिवार तो हम तीन को बच्चा है, 4 गो और माँ है, और 5,000 में चल जाता है। अब किसी भी तरह तो चलाना ही पड़ेगा, अब चाहे आदमी कुछ भी करे, उसके बाद सुबह में पेपर बांटते हैं। अच्छा, क्या करे। बिहार में बाहर है कि नहीं है? बिहार में बाहर रहता तो सुबह में पेपर उठ के बांटता, 5,000 का महीना आदमी खटते रहता। हमने बहुत काम किया है गरीबों तमाम लोगों के लिए। हाँ तो किए होंगे, भारत सरकार से लेकर केंद्र सरकार सब कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत कर रहे हैं। हाँ जिनके ने किया होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो अभी कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग कैसे बोल दे कि किया गया है। और एक चीज जरूर समझेंगे युवाओं से, और थोड़ा सा समझेंगे, क्या कहाँ से हैं आप लोग? सिवान जिला से ही है। फैमिली बैकग्राउंड क्या, पापा जॉब वॉब करते हैं कि या किसान है? हम लोग का किसान है। हाँ, कैसे चल रहा है? चल जाता है वैसे ही। यहाँ पे क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग? सरकारी जॉब की तैयारी कर, छोटा मोटा कोई भी निकलेगा चल जाएंगे लो हम लोग। ये तुम कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लगभग 1 साल हो गया। हाँ, तो घर से किसानों की क्या स्थिति है? आपके पिताजी खेती बाड़ी कर रहे हैं बता रहे हैं, तो कैसा चल रहा है? कमाई उमाई है, डबल इनकम उनका नहीं? हम बता दे रहे हैं किसानी से तो नहीं चल पाता है, कुछ दूसरा भी करते हैं। हाँ, किसान से नहीं चल पाता है। क्या देख रहे हैं, कैसा लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, कैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की इच्छा रखते हैं? हम नया चेहरा, सरकार की नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो हम लोग के लिए अच्छा करेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। यादव को लेकर क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को लेकर? नहीं, दोनों में से किसी को हम लोग अगला कैंडिडेट नहीं चुनेंगे। बिहार में कैसा मुख्यमंत्री अब होना चाहिए? सारे के सारे सेक्टर में अच्छा काम करें, हम लोग उसी को चुनेंगे। कोई है बिहार में ऐसा? अभी हम बिहार में अभी वैसा है नहीं। नहीं, बिहार में तो अभी ऐसा कोई है नहीं। कोई नहीं। नाम क्या आपका? अमित कुमार। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई है नहीं। खेती बाड़ी साहब के घर का इस बार धान सही बिका है कि नहीं? नहीं, जैसा पहले से चलता रहा वैसा ही चल रहा है, डबल का सोचेगा तो नामुमकिन है। पहले से घट रहा है, पहले अच्छा होता था, अब धीरे धीरे घट रहा है। जी, आप सोचेंगे कि जैसे आप सोचेंगे कि डबल हो जाए, पहले से ऐसा कुछ नहीं है। रोड मैप के बारे में पता है? कृषि रोड मैप? नहीं, रोड मैप के बारे में तो नहीं मालूम है। होता है कुछ भी नहीं होता, फंडिंग होता है, लेकिन बिहार में करप्शन खत्म हो तब ना। बिहार में कसम करप्शन खत्म हो तब ना। खेती उती करते तो कुछ लगता है कि कुछ दिक्कतें आती है ऐसा कुछ? दिक्कत तो बहुत प्रकार का आता है, जैसे जैसे में
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, लेकिन जैसे तैसे चल रहा है, सरकार का भरोसा नहीं ना बैठ सकते हैं कि नहीं सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, वो तो 5 साल 6 साल 10 साल से करे रही है। किसान बनना चाहते हैं या कुछ और? नहीं नहीं, किसान नहीं किसान बनना चाहते, चाहते तो हम लोग घरे नहीं रहते ना। किसान बन के आत्महत्या किया जाएगा, किसान बन के आत्महत्या किया जाएगा, क्या बनना है? काम कर लेंगे लेकिन किसान बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइप की कोई योजना लागू नहीं कर रही है सरकार। कुछ भी चलेगा, किसान नहीं बनेंगे, क्योंकि किसान को लेके युवाओं का ये है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ें दिखती ही नहीं किसानी में कि जिससे जीवन बदल जाए। बंधुआ मजदूरों का 100-500 कमाने के लिए उसमें काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन किसान बनने की इच्छा इनकी नहीं है। और भी तमाम युवाओं ने अपनी बेबाक राय रखी, बिहार के से लेकर लोकसभा चुनाव तो विधानसभा चुनाव तमाम मुद्दों पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरों को भी लेकर भी अपने राय रखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर या क्या देखते हैं बिहार का, वो जरूर हमें बताएं ताकि हम और भी अन्य मुद्दों पर बातचीत कर सकें। खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहे किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।